टाटा दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहा है। टाटा ग्रुप ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के जेवर में अपकमिंग नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डे के निर्माण का ठेका हासिल कर लिया है। इस समझौते की तरह टाटा ग्रुप एयरपोर्ट के टर्मिनल, रनवे, एयरसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों और एंसिलरी बिल्डिंग का निर्माण करेगा। जमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने इस दिन एक प्रेस बयान में कहा कि जमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड वास्तव में स्विस डेवलपर ज्यूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG की 100% सब्सिडियरी कंपनी है और वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं। 2019 में ज्यूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG ने हवाई अड्डे के निर्माण और विकास के लिए बिड जीती। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास को शुरू करने के लिए 7 अक्टूबर 2022 को जमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस एयरपोर्ट को पूरी तरह बन जाने के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसमें एक एक्सक्लूसिव ग्रीनफील्ड फैसिलिटी होगी जो लगभग 1334 हेक्टेयर एरिया में फैली हुई है। पहले फेज में 5700 करोड़ रुपयों के निवेश के बाद इस हवाई अड्डे की सालाना 1.2 करोड़ पैसेंजर्स को संभालने की क्षमता होगी, लेकिन फिलहाल यह सिर्फ एक ही रनवे होगा। एक बयान में कहा गया है कि जमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन के लिए टाटा प्रोजेक्ट्स LTD को चुना है। फिर टाटा कंपनी को आखिरकार फाइनल 3 शॉर्टलिस्ट टीमों में से चुना गया जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिजाइन, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन को देख रही है। ईएपल ने अपने बयान में ये भी कहा कि EPC कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने के साथ हवाई अड्डे का पहला चरण 3 सालों के भीतर पूरा हो जाएगा। हालांकि जमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्रिस्टोफ ने कहा, हम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर EPC वर्क के लिए टाटा ग्रुप के साथ एग्रीमेंट करके खुश है। इस समझौते के साथ हमारी परियोजना अगले फेज में प्रवेश करती है जिससे कंस्ट्रक्शन वर्क की गति में तेजी आएगी। टाटा प्रोजेक्ट के CEO और MD विनायक पाई ने कहा कि टाटा प्रोजेक्ट जमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर काम करेंगी ताकि एयरपोर्ट को समय पर डिलीवर किया जा सके। हम क्वालिटी, सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी के मान को पूरा करते हुए इसके निर्माण में नए टेक्निक का उपयोग करेंगे। ये पता चला है कि टाटा की आधार नए प्रोजेक्ट में से पार्लियामेंट बिल्डिंग, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और हर शहरों में मेट्रो रेल लाइन प्रोजेक्ट भी शामिल है। दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहें।